गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास वंस अगेन। आज हम माधायम होती है सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पाठभाग पढ़ेंगे। इन लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन। शिक्षक दिवस के रूप में सितंबर 5 को मनाया जाता है। उस दिन श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। इसके बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट क्लास। पाठभाग शुरू करेंगे। भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 4 सितंबर 2015 को राष्ट्रपति भवन में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली सरकार के कार्यक्रम शिक्षक बने का उद्घाटन किया। पूर्व मीन्स प्री। भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने सितंबर 4 2015 में राष्ट्रपति भवन के पिछले शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली सरकार के कार्यक्रम मीन्स प्रोग्राम कार्यक्रम शिक्षक बने का उद्घाटन किया। उद्घाटन मीन्स इनॉग्रेशन। राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति संपदा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय की कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को भारत का राजनैतिक इतिहास पढ़ाया। राजनैतिक इतिहास मीन्स पॉलिटिकल, राजनैतिक मीन्स पॉलिटिकल, इतिहास मीन्स हिस्ट्री। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि वे प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में राजनैतिक विज्ञान के शिक्षक रह चुके थे। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में राजनैतिक विज्ञान के शिक्षक रह चुके हैं। उन्हें शिक्षक की अपनी भूमिका फिर से निभाने पर प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने विद्यार्थियों के रूप में अपने प्रिय दिनों को याद किया। उसी दिन के याद उनके मन में आया। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों के धौरा मीन्स डूरिंग शिक्षा प्रणाली मीन्स शिक्षा एजुकेशन प्रणाली मीन्स सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में भारी बदलाव आ गया। भारी बदलाव मीन्स चेंज। आज की शिक्षा प्रणाली बहुत अधिक बदलाव हुआ। उन्होंने बहुदली लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने आंखों के सामने बहुत से घटनाक्रम घटना इंसिडेंट्स घटित होते हुए मीन्स हैपनिंग देखा है। तथा उन्हें भारतीय लोकतंत्र पर अचंभा होता है। अचंभा एस्टोनिशमेंट। लोकतंत्र आम आदमी को अपनी आकांक्षाओं मीन्स एस्पिरेशन को पूरे करने का अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र के कारण ही वो रायसीना हिल्स तक पहुंच सके है। बच्चे अपने संरचना काल मीन्स अट ग्रोइंग एज जो कुछ सीखते हैं वो उनके मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डाला है। बचपन में पढ़ते हुए जो बचपन में क्या सीखते हैं वो उनके मस्तिष्क मीन्स ब्रेन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालता है। स्थायी मीन्स परमानेंट। संभवतः उनकी माम ही उनकी सर्वोत्तम शिक्षिका थी। इसके बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस। माधायम होती है सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, ओके, जिन्होंने उनमें प्राचीन सभ्यतागत एंशियंट मूल्यों के महत्व का समावेश किया था। मूल्यों के महत्व मीन्स कल्चरल वैल्यूज। समावेश मीन्स इंक्लूशन, समावेश किया था। पैराग्राफ से हमें क्या सीखते हैं? माधवों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बताया। ऑलरेडी वी स्टडीड माधवों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानते हैं। माधवों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानते हैं, इसका कारण क्या था? लिसन स्टूडेंट्स, बच्चे अपने संरचना काल में बचपन से जो कुछ भी सीखते हैं वो उनके मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव पड़ते हैं। वो उनकी मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में भी स्टडीड। द नेक्स्ट पैराग्राफ।
राष्ट्रपति जी ने इस अवसर पर दिल्ली सरकार के शिक्षकों को भी संबोधित किया। उन्होंने शिक्षक समुदाय को हार्दिक बधाई देते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया, जिन्होंने आधुनिक भारत में शिक्षा क्षेत्र को दिशा प्रदान करने में असाधारण योगदान किया। राष्ट्रपति जी ने इस अवसर पर दिल्ली सरकार के शिक्षकों को भी संबोधित किया। इसी समय राष्ट्रपति दिल्ली सरकार के अध्यापकों को संबोधित किया। राष्ट्रपति जी ने कहा कि भारत को गुरुओं की भूमि कहा जाता है। राष्ट्रपति कहते हैं कि क्या कहते हैं, भारत को गुरुओं की भूमि कहते हैं। से गुरु शिष्य बंध बहुत अटूट में है। भारत में गुरु और शिष्य का बंध अटूट है। वी ऑलरेडी नो दैट गुरुकुल विद्यालय विद्या संप्रदाय के बारे में वी ऑलरेडी नो है। गुरु और शिष्य के संबंध बहुत अधिक प्रभाव हो गया, उसके बारे में उन्होंने कहा। गुरु शिष्य परंपरा सभ्यागत मूल्यों के सिद्धांतों मीन्स प्रिंसिपल, सिद्धांतों में से एक है। शिक्षा वो रसायन विद्या है जो भारत को उसके अगले स्वर्ण युग में ले जा सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन को उद्धृत करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा, शिक्षा इस बात को ध्यान में लेकर दी जानी चाहिए कि हम किस तरह के समाज का निर्माण कर चाहते हैं। अच्छे विद्यार्थी एक बहुमूल्य है, इसके समाज के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हमारे लिए गरिमा और समानता के मूल्यों पर निर्मित आधुनिक लोकतंत्र के लिए प्रयासरत है। मानवीय गरिमा मीन्स ह्यूमन डिग्निटी, ये केवल आदर्श मीन्स आइडियल्स आदर्श है और हमें इनको जीती जागती शक्ति बनाना होगा। राष्ट्रपति जी ने कहा कि शिक्षक कुम्हार मीन्स पोटर, कुम्हार के नर्म तथा दक्ष हाथों के समान होते हैं। वे हजारों विद्यार्थियों के भाग्य की रचना करते हैं और परिणाम स्वरूप मीन्स ऐसे रिजल्ट देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। देशी के विकास भविष्य का निर्माण किसके हाथों है, विद्यार्थियों के हाथों है। उनसे ऐसे बहुत से प्रेरक शिक्षक मिले हैं जो अपने विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रभावित मीन्स इन्फ्लुएंसिंग, प्रभावित कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा कि एक पेशे के तौर पर मीन्स ऐसे प्रोफेशन अध्यापन को वो आदर और सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। इसके लिए अध्यापक और शिक्षकों को सम्मान करना चाहिए, उसके आशीर्वाद से विद्यार्थियों को इसी तरह का करने की शक्ति मिलेगा। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि बहुत से विश्वविद्यालयों में योग्य शिक्षकों की कमी है। तथा उन्होंने कहा कि अध्यापन के पेशों में सर्वोत्तम मेधावो मीन्स जीनियस आकर्षित करने की जरूरत है। राष्ट्रपति जी ने शिक्षकों का आह्वान किया कि आह्वान मीन्स इन्वॉल्व किया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर समाज के पुनर्निर्माण मीन्स रीबिल्ड, पुनः मीन्स री निर्माण मीन्स बिल्ड, री बिल्ड के प्रति खुद को पुनः समर्पित करे। दिल्ली सरकार के शिक्षक बने कार्यक्रम के सहत न्यायपालिका, सिविल सेवा, मीडिया, चिकित्सा, उद्यमिता मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों के उच्च पदस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से मीन्स वॉलंटियरली सरकारी स्कूलों के विद्यालयों के साथ अपने अनुभवों को बांटने के लिए कुछ गुणवत्तापूर्ण समय देंगे। अनुभवों को बांटने के लिए मीन्स और शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, गुणवत्तापूर्ण समय मीन्स क्वालिटेटिव टाइम देंगे। ये अपेक्षा है कि इस प्रयास मीन्स प्रयत्न एफर्ट प्रयास से न केवल शिक्षकों को प्रेरणा मिलेगी बल्कि युवाओं को एक पेशे के रूप में अध्यापन को अपनाने के भी प्रेरणा मिलेगी। स्टूडेंट्स, इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है, लिसन स्टूडेंट्स, शिक्षा आज के युग की सबसे महत्वपूर्ण तथा बड़ी आवश्यकता है। शिक्षा आज के युग की सबसे बहुमूल्य होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षित समाज ही विकसित समाज कहलाता है। एक शिक्षित समाज को किसे कहते हैं, विकसित समाज कहलाता है। शिक्षा भारत को विकास की चरम सीमा पर ले जा सकती है।
वो हमारा स्वर्ण युग होगा जब हम विकासशील से विकसित बन जाएंगे। जिस देश में जितने अधिक साक्षर लोग होंगे वो देश उतने ही जल्दी प्रगति करेंगे। हर एक देश का प्रगति किसके में नींव होता है? जिस देश में जितने अधिक साक्षर लोग होंगे वो देश उतने ही जल्दी प्रगति करेंगे। आज समय बदल चुका है, ऊंच नीच छोटा बड़े के भेदभाव की जंजीरों डूब चुकी है। समानता का युग है और भारतवासी निरंतर इसकी कोशिश में लगे है। समस्त भारत एक हो, अनेकता में अनेक एकता है। इंसानियत का मूल्य समझा जाए और लोग सांप्रदायिकता की आड़ में विद्रोह ना करें। स्टूडेंट्स लिसन, मीनिंग दिस आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। It tells us that President Pranab Mukherjee was a professor in the famous Presidency College of Kolkata, teaching political science there. He was teaching political science before he entered politics. Before he entered politics, he was teaching political science. Okay. While thanking the teachers for their contribution, he especially mentioned Dr. Radhakrishnan for his noble life. इसके बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में। While saying that mothers are probably the best teachers, वो क्या कहते हैं कि mothers are the probably best teachers. He compared teachers with potters. Potters, हिंदी वर्ड कुंभार। Just as a potter gives shape to a clay lump, a teacher shapes the young mind of his students. The teachers shapes the young mind of his students. That is why we should always respect our teachers. So we should respect our teachers very well. Teachers are our, a teacher shapes the young mind of his students. Okay. इसलिए अध्यापक और अध्यापिकाओं को सम्मान करना चाहिए। हमें सदा उसे सम्मान करना चाहिए। इस पाठ से ये सीख मिलते हैं। शब्दार्थ विशिष्ट स्पेशल राजनैतिक पॉलिटिकल शिक्षा प्रणाली एजुकेशन सिस्टम बदलाव चेंज स्थायी परमानेंट सभ्यतागत ऑफ द एंशिएंट महत इंपॉर्टेंस सिद्धांत प्रिंसिपल आदर्श आइडियल्स दक्ष एक्सपर्ट प्रभावित कर रहे हैं आर इन्फ्लुएंसिंग मेधा जीनियस पुनर्निर्माण रिबिल्ड पूर्व प्री इतिहास हिस्टरी दौर एंड डूरिंग गठित होते हुए हैपनिंग आगामशावों एस्पिरेशंस संरचना काल एट द ग्रोइंग एज सर्वोत्तम द बेस्ट मूल्यों के इस अवसर पर कल्चरल वैल्यूज ऑन दिस ओकेशन समावेश इंक्लूशन मानवीय गरिमा ह्यूमन डिग्निटी कुम्हार पॉटर परिणाम स्वरूप एस ए रिजल्ट पेश के तौर पर ऐसे प्रोफेशन आह्वान करना इन्वोक उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप स्वेच्छा से वॉलंटियरली प्रयास एफर्ट अनुभवों को बांटने के लिए और शेयरिंग देयर ऑन एक्सपीरियंसेस गुणवत्तापूर्ण समय क्वालिटेटिव टाइम प्रेरणा मोटिवेशन स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स चैप्टर एंड्स हियर। इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है? वी शुड रेस्पेक्ट our teachers very well. Okay, all of you read this lesson very well and study question answers. Dhanyawad.